नमस्कार दोस्तों, द रियल वर्ड्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है अष्टमी नवरात्र का, और चलिए लिए चलते हैं ग्राम मरौत का ऐतिहासिक जगह जहां पर चमत्कारिक मंदिर स्थित है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुर्गा माता का दरबार का, जो कि सालों साल भक्तों के आवागमन बढ़ रहा है वहाँ पर। और चलिए दिखाते हैं आपको और लिए चलते हैं उस जगह पर। भारतवर्ष का एक सुंदर सा राज्य जहां पर कई कलाकृतियां एवं देवी देवताओं का स्वरूप बसा हुआ है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम मरौत, जहां पर दुर्गा दरबार के रूप में स्वरूप प्रज्वलित रूप में यहां पर विराजमान है। जी हां दोस्तों, हमारा वीडियो आज का इसी पर है। हमारा सफर प्रारंभ होता है दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ग्राम मरौत। जी हां दोस्तों, जहां पर दाहिने तरफ आपको मिलेगा माँ दुर्गा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम दर्शन कराते हैं माँ दुर्गा स्वरूप। यहाँ पर अष्टमी का दिन है दोस्तों, और यहाँ पर प्रसाद का वितरण प्रारंभ हो चुका है। जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रथम घुसेंगे, अंदर आएंगे, तो यहाँ पर कुआं, जिसे ग्रामीण में बावली कहा जाता है, चरण धोने के लिए, यानी कि जो भक्तगण यहाँ आते हैं वहाँ पर चरण धोते हैं। उसके बाद वो प्राचीन पेड़ यहाँ पर बेल का मौजूद है, जहाँ पर शिव भगवान महादेव के ऊपर इस बेल के पत्ते को चढ़ाया जाता है। और ये देख सकते हैं राउंड वर, इसको बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना मंदिर है यह दोस्तों। आप सभी यहाँ पर आकर इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कई कलाकृतियां यहां पर देख सकते हैं, कई प्राचीन मूर्तियां यहां पर देख सकते हैं। यहां पर भैरवनाथ का मंदिर बना हुआ है। माँ दुर्गा माँ के दरबार में आगे जाने से पहले यहां पर बजरंग बली का मंदिर यहां पर बनाया गया है, जवारा बोया गया है। और चलिए लिए चलते हैं आपको दीप प्रज्वलन कक्ष में, जहाँ पर भक्तगण अपनी मनोकामना इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ पर अपने अपने नामों से दीप प्रज्वलन करवाए हैं इस चैत नवरात्र में। जी दोस्तों, अपने आप में कई कलाकृतियाँ यहाँ पर छुपी हुई है। आपको बता दें, यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण मानी जाती है जानकारों के अनुसार से। आपको बता दें जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं कौन कौन इस प्रज्वलन में नाम उनका अंकित किया जाता है। जब भी आप दीप प्रज्वलित इस चैत नवरात्र में या उस नवरात्र में जब भी आप दीप प्रज्वलन करवाएंगे, तो आप अपना नाम यहां पर दाखिला करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है उस भव्य मंदिर का, उस स्वरूपा मंदिर का, जिसके नाम से या मंदिर बना हुआ है दुर्गा दरबार के रूप में। पहले हम भैरवनाथ जी का दर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से कराते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सुंदर सुंदर सा मंदिर, कई जगहों का पर्यटन मंदिर आपको देखने को मिलता है। चलिए प्रथम सीढ़ियां चढ़ते हैं। यहाँ पर हुमन का कार्य प्रारंभ था, और देख सकते हैं यहाँ पर नंदी महाराज भोलेनाथ के साथ बैठा हुआ है। और चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आपको ये देख सकते हैं हुमन का कार्य यहाँ पर हो चुका था। और चलिए अब बारी है उस दिव्य प्रज्वलित माँ स्वरूपा दुर्गा रूप का देखने के लिए। आप तैयार हो जाइए। देख सकते हैं कितने सुंदर स्वरूप, आप कई मूर्तियाँ यहाँ पर माता वैष्णो देवी तीनों रूप में यहाँ पर मौजूद है, और माँ दुर्गा का यह सुंदर सा प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर जरूर आइएगा दोस्तों। अगर आपको मनोकामना इच्छा पूर्ति करना है, तो माँ जगदम्बा का एक बार बिल्कुल यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना, अपनी मत्था जरूर टेकिएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं
और अपनी इच्छा अपनी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करते हैं। कई सेवादार यहाँ पर सेवा देते रहते हैं। आप भी आकर यहाँ पर सेवा दे सकते हैं अपने अनुसार से, अपनी इच्छा अनुसार से। आपको बता दें कि स्वर्गीय श्री राम निहोरा जी जो कि मरौत के ही निवासी थे, उनके द्वारा यह मंदिर स्थापना की गई थी। और देख सकते हैं किस प्रकार से सेवादार यहाँ पर सेवा भजन गा रहे हैं, सेवा भजन का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, इस मंदिर का अपने आप में ही इतिहास है। जी हाँ दोस्तों, आप भी आकर यहाँ पर अपना मत्था टेक सकते हैं और मनोकामना इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ ये पेड़ पौधों का सुंदर सा बगीचा लगा हुआ है और यहाँ पर भक्तगण आप देख सकते हैं लगा हुआ है और आम का बगीचा यहाँ पर देखने को मिलेगा चारों तरफ। ये देख सकते हैं यहाँ पर फूल का निर्माण, फूल यहाँ पर लगाया गया है, सॉरी निर्माण नहीं, फूल यहाँ पर लगाया गया है, दशमत फूल जिसे कहा जाता है। और चारों राउंड मारने पर यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर लगता है दोस्तों। बड़ा ही शांति का अनुभव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप आइए यहाँ पर माँ दुर्गा का दर्शन प्राप्त आप जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।